मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की पात्र महिलाओं को रक्षाबंधन पर 250 रुपए देने का ऐलान किया था, जिस पर पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि गैर हिंदू महिलाओं को पैसे नहीं देने चाहिए, जो इस त्योहार को मनाती हैं उनके खाते में ही पैसे जाने चाहिए। गैर हिंदू महिलाओं के खाते में रक्षाबंधन के 250 रुपए डाले जाने पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि जो इस त्योहार को मनाते हैं उनके खाते में ही पैसे जाने चाहिए। जो इस त्योहार का विरोध करते हैं, जो हिंदू त्योहारों को स्वीकार नहीं करते, जो रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाते, ऐसे लोगों को राशि देने का अर्थ है कि हम गलत दे रहे हैं। इसे रोककर समीक्षा करनी चाहिए। वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी अधिक संवेदनशील हैं और उस संवेदनशीलता के कारण ही उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के त्योहार पर महिलाओं का जो विशेष खर्च होता है उसमें वृद्धि की जानी चाहिए, और रक्षाबंधन के त्योहार के कारण उन्होंने ये राशि की वृद्धि की है। इसको अन्य किसी भी ढंग से नहीं देखा जाना चाहिए, लेना चाहिए। लेकिन मेरा एक आग्रह है कि जो रक्षाबंधन त्योहार में विश्वास करते हैं, जो रक्षाबंधन त्योहार मनाते हैं, जो इस हिंदू त्योहार को स्वीकार करते हैं, राशि का लाभ उनको ही मिलना चाहिए। जो इस त्योहार को स्वीकार ही नहीं करते, जो इस त्योहार को मानते नहीं, जो ये त्योहार का उपयोग अपने भाईचारे में करते नहीं हैं, अपने रिश्तों में इसका उपयोग नहीं करते हैं, उनके लिए इस बढ़ी हुई राशि का कोई औचित्य नहीं है। वही पूर्व सांसद के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा ने कहा कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के नेता इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो रघुनंदन शर्मा जी से मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि वे आइडेंटिफाई करके बताएं कि किन बहनों को ये 250 रुपया मिलना चाहिए और किन बहनों को नहीं मिलना चाहिए। वे स्वयं बताएं कौन सी बहनें योग्य हैं और कौन सी नहीं हैं, और ये भी बताएं कि ऐसी कौन सी बहनें हैं जो रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाती है और केवल 250 रुपए दे रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी से पूछ रहे हैं कि किन बहनों को देना चाहिए किन को नहीं देना चाहिए, मुख्यमंत्री जी आइडेंटिफाई करें। तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जो बात कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो क्या रघुनंदन शर्मा जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी बड़े हो गए हैं जो अब ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी से कि आइडेंटिफाई कीजिए रक्षाबंधन का त्यौहार कौन सी बहनें मनाती है और कौन सी नहीं मनाती है, किन को 250 रुपए देना चाहिए और किन को 250 रुपए नहीं देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि 250 रुपए से वैसे भी बहनों का कुछ नहीं होना है, रक्षाबंधन का त्यौहार मात्र 250 रुपए में कौन सी बहनें मना सकती है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो रघुनंदन शर्मा जी को इसका जवाब देना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।